जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर श्री दो कौ जागर राम दूत हत लित बल धामा अंजन पुत्र भवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी अंजन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वस्त्र हाथ जा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे सब का ये जोर से लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जनावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष गुर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज बदरीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन बल बानो लीलो काय मधुर फल जानो प्रभु मुद्र का मेल मुख माही जल धिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे बाबा राम द्वारे तुम रखवारे सब सुख लहर तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीन हु लोक हाकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सतवार पाठ कर कोई झूठे बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा 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 पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित बाबा हृदय बसहु सुरहु की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय और अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि ये बल बुद्धि विद्या दे करके और क्लेश और विकारों से मेरी सफाई करके चले मत जाना मुझे छोड़ करके मत जाना 24 घंटे मेरे साथ रहो कैसे रहो की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा और फिर बताया कैसे रहो ये भी बताया फिर हनुमान जी को याद नहीं किया है पवन पुत्र को याद किया हम और आप भी रोज पवन पुत्र को ही याद करें पवन तनय संकट हरन
हम और आप रोज इतना राज याद रखें कि हमारा सबका शरीर पांच तत्वों से बना है, धरती आकाश अग्नि जल और वायु। इन पांच तत्वों से शरीर ही नहीं पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और हमारे आपके शरीर में सब रहे केवल डॉक्टर जब इतना डिक्लेयर करता है कि वायु तत्व ने शरीर का साथ छोड़ दिया है, सांस ने शरीर में आना जाना बंद कर दिया है, फिर आप कितने सुंदर हो, कितने युवान हो, कितने तंदुरुस्त हो, कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, कितने बड़े भक्त हो, उस शरीर की कीमत दो कौड़ी की हो जाती है। अपनी कमाई से बनाए अपने ही घर में अपने परिवार के लोग बिना वायु के शरीर को दो चार घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, कोमा में चला जाए, सालों साल पड़ा रहे, अगर शरीर में सांस चल रही है तो डॉक्टर परिवार सब सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु तत्व से है। और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, प्रभु शरीर तो हमारा दो कौड़ी का है, अगर इसमें वायु तत्व नहीं है और आप तो पवन पुत्र हैं, वायु का बेटा वायु होता है, इसलिए वायु के रूप में सांसों श्वास मेरे हृदय में वास करो। कीजे नाथ हृदय माडेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। फिर हनुमान जी से एक प्रार्थना और करो, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान भी चाहिए, भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए भगवान, और हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन जीने के लिए भगवान चाहिए लेकिन भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि ना तो जीवन में मेरे पवित्रता है ना भक्ति है, आपकी पहुंच वहां तक है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पै सारे, इसलिए आप अकेले मत आना। फिर राम लखन सीता सहित बाबा हृदय बस हो सुर गो मेरे बाबा, हृदय बस हो सुर गो। आप मेरे हृदय में राम लक्ष्मण जानकी के साथ निवास करो, और जहां भगवान का वास होता है, जहां भगवान बिठाए जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है भगवान का मंदिर है। हमारे आपके घर में सबके ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, सारे रूम होते हैं, उसमें एक जगह ऐसी होती है जहां हम भगवान को बिठाते हैं और बोलते हैं ये हमारा मंदिर है। जहां भगवान का आवास होता है उस जगह को भगवान का मंदिर कहा जाता है। जैसे ये बत्रा फार्म हाउस का एक हॉल है, लेकिन उसी हॉल में हमने भगवान को बिठाया, अब ये जगह भगवान का मंदिर बन गई है। मंदिर है तो ही हम सब नीचे बैठे हैं जमीन में। आप ऐसे किसी पार्टी में आओ और आपको कहा जाए जमीन में बैठ जाओ तो आप बैठोगे? मंदिर से कहते हैं जहां मन के अंदर परम शांति की प्राप्ति हो, उसका नाम मंदिर है। और मंदिर की खासियत यह होती है कि मंदिर में कोई भी कितना ही परेशान व्यक्ति आए कि जाए, उसके भी मन को शांति मिलती है। तो श्री हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, मेरे शरीर को भी आप भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दो, जहां राम लक्ष्मण जानकी के साथ आप निवास करो, ताकि मेरा शरीर भगवान का मंदिर बन जाए तो मुझे मेरे मन को, मुझे शरीर को, मेरे जीवन को शांति मिलेगी। और केवल मुझे ही शांति न मिले, इन 24 घंटे में मैं जिससे मिलूं या मुझसे जो कोई मिले उसके भी मन को मैं परम शांति दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन बना दो। मेरे मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा सोचूं ही नहीं, ऐसा मेरा दिव्य जीवन आप मेरे हृदय में राम लक्ष्मण जानकी के साथ निवास करके बना दो। और फिर गाइए, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ताली जोर से बजा के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो।
बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की। जय बोलो हनुमान की, बोलिए हनुमान।